हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे जो छात्रों के डाउट्स हैं। और कुछ दिन पहले हमने जो बिहार एसएससी सीजील के टॉपर्स के इंटरव्यू डाले थे, तो उनकी गाइडेंस वीडियो में भी कुछ कमेंट्स आए थे, उसमें भी कुछ डाउट्स आए थे। उन सभी सवालों के आज जवाब हम आपको देंगे। इसके साथ साथ इंटर लेवल के लिए जो समय आपके पास है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये ढाई महीने में आपको, दो ढाई महीने, तीन महीने में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजिकली तैयार करना है, इसके बारे में थोड़ी सी हम गाइड करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इंटर लेवल का जो सिलेबस है, तो आपको पता है कि इसमें सेंट्रल की तरह इंग्लिश नहीं होता, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें मैथ रीजनिंग की, तो मैथ 25 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग का जो पर्सन होता है वो 50 क्वेश्चंस का होता है। इसके साथ साथ 50 क्वेश्चन जीएस होते हैं और 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके साइंस के, तो पूरे हो गए 150 क्वेश्चंस। सेम फॉर्मेशन मेंस में भी रहने वाला है। तो अगर पहले बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपके पास 50 क्वेश्चंस है, यानी कि 50 क्वेश्चन बहुत बड़ा योगदान देगा आपके स्कोर को बूस्ट करने में। तो डेली क्या करें, आप अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसके पीछे का जो भी रीजनिंग आपसे नहीं बनता है उसका अच्छे से एनालिसिस करें, और डेली का डेली अगर आप चाहें या प्रयास करें तो 50 से 100 रीजनिंग को सॉल्व अच्छे से करें। आप प्रीवियस ईयर उठा लें रेलवे का या फिर एसएससी का, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको सॉल्व करने से आसानी से आप 50 से 50 करने के काबिल हुई तो जाएंगे। अब अगर बात करें मैथ्स का, तो मैथ 25 क्वेश्चंस है, तो मैथ जो होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है और मैक्सिमम लोग मैथ सॉल्व कर देते हैं एसएससी की तैयारी करने वाले। तो मैथ्स को क्या करें, आप डेली प्रैक्टिस करें, 50 क्वेश्चन लगाएं डेली और सेट्स के क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही हैं। इसके बाद बात करते हैं हम साइंस के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंस, क्योंकि ये आपके लिए स्कोर बूस्टिंग का काम करेगा। क्योंकि साइंस जो होते हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं, भले ही उसमें लिखा गया है 9th 10th आएगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 9th 10th के सवाल में डायरेक्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, 9th 10th की किताब को पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी के ही 9th 10th के एग्जाम्पलर बुक्स आता है सेट्स, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करिए। उसके बाद सेट्स बनाइए, सेट्स में जो भी क्वेश्चन डाउट होता है उसको लिखिए, उस टॉपिक को अच्छे से रिविज़न करिए। आप लूसेंट्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकाशन का साइंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस एक बड़ा पोर्शन है, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस 50 होते हैं, जो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो करंट अफेयर्स डेली आप पढ़ रहे हैं ना, 2 घंटे 2.5 घंटे एक लेक्चर देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको उस लेक्चर को नहीं देखना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप स्पीडी या एडिटेरिया, ये दो बेस्ट बुक है मार्केट में, इन दोनों में से किसी एक बुक को ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, थॉरपली पढ़िए। नियुक्तियाँ जो आपके भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन सभी के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके बाद कुछ जो प्रमुख उच्च प्रशासनिक पद है उन सब के बारे में, इसके साथ साथ खेल खिलाड़ी अवार्ड्स, उसके बाद महत्वपूर्ण जो भी आपके पिछले 6 महीने से लेके 1 साल तक के जो वन लाइनर्स अप्रोच हैं उनको अच्छे से आप रिविज़न करिए और अच्छे से पढ़िए। और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जो समितियां हैं या फिर जो स्कीम्स योजनाएं दी गई हैं, इन सब के बारे में भी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र से, साइंस से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 क्वेश्चंस, तो उसको भी अच्छे से पढ़िए। स्पीडी को पढ़ेंगे तो अच्छा से कवर हो जाएगा। अब बात करें जीके की, तो जीके एक बहुत बड़ा भंडार है, आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। आप इतिहास उठाइए, पॉलिटी उठाइए, भूगोल उठाइए, इकोनॉमिक्स उठाइए और मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़िए, अच्छे से कवर हो जाएगा। हिस्ट्री में सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए, मतलब आधुनिक भारत को, जिसमें आपको स्वतंत्रता संग्राम के सारे जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करना है, 1857 के विद्रोह को, गांधी एरा पूरा कवर करना है, उसके बाद महान शहीद, अंग्रेज समय में जो शासन पद्धति थी उसको, उसके बाद समितियाँ, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, कांग्रेस का अधिवेशन, फॉर्मेशन, सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद जितने भी अंग्रेज गवर्नर जनरल वायसराय हुए उन सभी का अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है। इसके लिए आप कोई भी जीके का बुक प्रेफर कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, लुसेंट, क्राउन, या फिर आप जनरल नॉलेज ले लीजिए, सामान्य ज्ञान आपके किरण प्रकाशन का। तो आप किरण प्रकाशन में थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि 1x1 लाइन अप्रोच दिया रहता है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी बुक से पढ़े, बढ़िया से पढ़े।
अब बात करें अगर भूगोल की, तो भूगोल में पहले भारतीय भूगोल को ख़त्म करें, उसके बाद भारत में उद्योग, भारत के ऐतिहासिक भूगोल के साथ साथ भारत के जो भी आसपास के पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी के भूगोल और इतिहास को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार के एग्जाम्स में पूछते हैं, कंपलसरी है, दो चार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सभी चैप्टर्स मिला के। इसके बाद अगर बात करें विश्व भूगोल में, तो सौरमंडल पढ़िए, स्थलमंडल पढ़िए, जलमंडल पढ़िए, महाद्वीप, महासागर, ये सब पढ़िए। उसके बाद आपकी जो जलधाराएँ होती हैं, महासागर होते हैं, महासागर के साथ साथ जो पठार पर्वत होते हैं, इन सब को भी आपको पढ़ना है। उपनाम, भौगोलिक उपनाम, इन सब को भी पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ भौगोलिक के जो सिद्धांत हैं, किसने दिया था, भूगोल के जो भी बड़े भौगोलिक जो साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब बात करें अगर पॉलिटी से, तो पॉलिटी जो होता है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बनाते हैं बिहार एसएससी में। तो पॉलिटी में आपको शुरुआत से लेकर लुसेंट को अच्छे से फॉलो करिए, या फिर किरण प्रकाशन को भी फॉलो करिए, और वन बाई वन आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको पढ़ना है। अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन होता है, उसको पढ़ना है। इसके साथ साथ जितने भी बड़ी समितियाँ हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद जो भी आपके शुरुआत के संविधान के इतिहास है, जैसे जितने भी एक्ट्स है, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम, इन सबको अच्छे से पढ़िए, भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़िए, चुनाव आयोग को पढ़िए अच्छे से। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचायती राज, वो आप पूरे भारत के लिए और बिहार का जो स्पेशल पंचायती राज व्यवस्था है उसको पढ़िएगा, पूरे डिटेल्स में पढ़िए, उससे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं भूगोल में एक चीज़ और बताना है, उसमें जो है जनगणना मतलब सेंसस को आप जरूर पढ़िए, सेंसस से भी क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं। इसके साथ साथ जनजाति, ठीक है, वो विश्व में भी जो जनजाति होती है, जो भारतीय जनजाति होती है, उन सबको भी आपको अच्छे से रिविज़न करना है। अब अगर बात करें पॉलिटी में, तो राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग, इन सब के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, और जितने भी महत्वपूर्ण अभी तक संशोधन हुए हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना है। अब बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, तीन चार क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक दो क्वेश्चन जो होंगे वो करंट स्टेटस पे, जो आप करंट पढ़ेंगे उसमें आपको मिल सकता है। और दूसरे जो इकोनॉमिक हैं उसमें आपके जो गरीबी रेखा है, पंचवर्षीय योजना है, उसके बाद आर्थिक नियोजन, इन सब टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें, इन सब चीज से एक से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये मैंने बीएससी सीजीएल को क्रैक किया, तो इसके आधार पर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अब को आपको खेल, खिलाड़ी, मैदान, खिलाड़ी की संख्या टीम्स में, ये सब की कवर करना है अच्छे से। विविध, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ये सब को कवर करना है। संसद, उसके बाद मुद्रा, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय चिन्ह, इन सब को भी पढ़ना है बढ़िया तरीके से। तो लुसेंट के पीछे जो विविध दिया रहता है, या फिर किरण प्रकाशन में, उन सबको अच्छे से कवर करिए। इसके साथ साथ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लुसेंट का पिछला हिस्सा, या फिर किरण प्रकाशन का ही पिछला हिस्सा को पढ़ना चाहिए। और जो स्पीडिया टेरिया में जो करंट के अनुसार जो पर्यावरण या फिर साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस दिए होते हैं ऑनलाइन, उसको भी पढ़िए, क्योंकि पर्यावरण से भी क्वेश्चन एक या दो और टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन एक या दो कंपलसरी आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस का पार्ट पूर्जा। अब हम बता रहे हैं कि बहुत सारे दोस्तों ने कब कहा कि तैयारी कैसे करें बीएससी का, तो आपको पूरा सिलेबस का निचोड़ बता दिया कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं हम टेस्ट की, तो टेस्ट आपको क्या लगाना है, तो टेस्ट किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए। मैंने जैसे आज मैंने दो बुक्स मंगाए हैं, ये आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल है, ठीक है, और ये वॉल्यूम टू है दोस्तों, ये वॉल्यूम टू है और प्रैक्टिस सीट, इसमें है आपके 15 सीट्स मिल जाएंगे और व्याख्या सीट। और ये दूसरी किताब जो है ये है, देखिए, सेकंड इंटर लेवल है और ये भी प्रैक्टिस सीट है और इसमें भी 30 सीट्स आपको मिलेंगे। अब ये 30 सीट्स में आपको जो है 5 सेट जो है आपको ऑनलाइन के लिए दिया गया है, तो ऑनलाइन आप यहाँ से स्क्रैच के कूपन के को बार कोड से बना सकते हैं। 5 इसमें आपके प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, जो पिछला वाला बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें का जो पेपर्स हुए थे, तो उसमें से 5 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है 20 मॉडल सेट्स है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। तो आप इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, इन सब किताब को मैं अच्छे से रिव्यू करता हूँ। तो इसमें शुरुआत में ही सबसे अच्छी खास बात है कि जो भी करंट समसामयिक है वो पहले ही इन्हें शुरुआत में दिया रहता है, उसको आप रिविज़न करें और रिविज़न के बाद ही इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें दोस्तों। अब प्रैक्टिस करने के बाद आपको मालूम है इसका पीछे डिस्क्रिप्शन रहता है,
तो इन डिस्क्रिप्शंस को अच्छे से आप रिविजन्स करें और एनालिसिस करें, और जो भी नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन करें और बार बार रिविजन भी करें, ठीक है। उसी तरह ये मेरे पास वॉल्यूम 2 है, प्रैक्टिस वर्कबुक है, तो ये पूरा पूरा जो है मॉडल सेट है, तो आप इसको अच्छे से बनाइए। ये एक इसको पहले ख़त्म करने के बाद आप इसको बनाइए। और 30 से 15-45 हो गए, इसके पहले भी एक बुक मैंने रिव्यू किया था, तो टोटल को मिला के अगर आप बनाते हैं तो आपके साथ काफ़ी अनुभव हो जाएगा। सेट्स बनाने के बाद क्वेश्चंस का पैटर्न्स के बारे में आपको अंदाज़ा लग जाएगा, तो इस तरह से आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगी। और अगर बात करें, हम बहुत सारे लड़कों ने कहा कि जो तैयारी है, कंपटीशन है, वो बहुत टफ होने वाला है, तो उससे बता दूँ ये इंटर लेवल है, तो जो भी छात्र जो हैं 2023 में इंटर पास हुए होंगे उन लोगों ने भी भर दिया होगा, तो भीड़ बकरी की भीड़ तो होने ही वाली है, तो आप इससे घबराए नहीं कि 25 लाख माने बहुत होता है। एग्ज़ाम्स का जो जितने भी फॉर्म्स हैं उसमें 5 times मतलब 5 गुना जो है रिजल्ट आने वाला है, लगभग 61,000 के करीब में आपका रिजल्ट आएगा प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए। तो बहुत सारे 25 लाख में आपको 1 से 2 लाख के अंदर ही फाइट करना पड़ेगा, इतना अनुमान लगाइए। और लेकिन एक बात आपको बताऊँगा, ये बिहार है और बिहार के छात्र पढ़ने में बहुत माहिर होते हैं, तो बिहार को बिहार से ही टक्कर करना पड़ेगा, तो इसलिए जी जान लगा कर पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए और जितना जान लगा सकते हैं लगाइए। अच्छा मौका है बिहार में जॉब लेने का। इसके साथ साथ आप जो बिहार SSC CGL है जो 4 आने वाला है, तो 4 आने से पहले हम आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे, और ऑलरेडी जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ और सिचुएशंस है जिसके अनुसार मैं करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ रेलवे में TT का, उसके साथ साथ तैयारी भी कर रहा हूँ, तो इस अनुसार आपको गाइड करूँगा ताकि आप भी अच्छे से पढ़िए, और प्रयास करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन और कंटेंट दे सकूँ और आपकी सफलता में थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।